तो आज मैं आलू से बनी एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम डिफरेंट है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको हम छील लेंगे। तो आलू के मैंने छिलके निकाल दिए हैं, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसके पीसेस ज़्यादा बड़े कट नहीं करने, हमें मीडियम साइज़ के ही कट करने और ज़्यादा पतले भी कट नहीं करने। तो इस तरीके से आप कट कर लें। तो मैंने सारे आलू कट कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। पर ऑयल को अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए, तब आप इसमें आलू डालें। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमें आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इसको चलाते रहें। दोस्तों, आप इस रेसिपी को पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, या ऐसे ही आपको मन करे तो आप फ्रेंच फ्राइज के जैसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। अब हमारे आलू का कलर गोल्डन हो गया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। गर्मियों के मौसम में आप इस रेसिपी को बना सकते हो, कहीं आउटिंग पे जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस रेसिपी को ले जा सकते हो, ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। तो हमने सारे आलू निकाल लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। तो जब ये आलू निकालें तुरंत ही इसमें मसाले मिक्स करें, जब ये गरम गरम आलू हों। तो हमने एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी में जैसे हरी मिर्च भी इसके साथ फ्राई कर सकते हो, जैसे आलू आपने फ्राई किए हैं उसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और मसाला मिक्स करते टाइम आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हमारे आलू मिक्स हो गए हैं, अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो इन आलू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्नैक्स में ऐसे भी खा सकते हैं, या पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं।